नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि SBI का जो नया ATM कार्ड है उसका पिन जनरेट कैसे करते हैं। अगर आपके पास भी नया ATM कार्ड है, अगर आप उसका पिन जनरेट करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, आज के वीडियो आपके लिए ही। अगर पिन जनरेट करने के लिए आपके पास आपका पासबुक, आपका मोबाइल नंबर, मतलब आपका खुद का वो मोबाइल साथ में होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे SBI ATM मशीन में पहुँच चुका हूँ। ATM मशीन में पहुँचने के बाद सिंपली क्या करना है, अपना ATM कार्ड को इस तरह से पकड़ना है। आप देख सकते हैं चीप वाला जो पर्सन है इसको आगे की तरफ रखना है, यहाँ पे आप देखेंगे गौर से इस तरह से रखना है। उसके बाद आपका जो ATM मशीन के अंदर अपना ATM कार्ड को यहाँ पे डालना है, इंसर्ट करना। तो चलिए अपना ATM कार्ड को इस मशीन के अंदर डाल लेता हूँ। डालने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा, प्लीज डू नॉट रिमूव योर कार्ड, यानी अपना कार्ड को ATM कार्ड को तब तक नहीं निकालना जब तक अपना पिन को यहाँ पे आप जनरेट नहीं कर ले। इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिन जनरेशन। बस क्या करना, सिंपली आपको इस पिन जनरेशन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर अकाउंट नंबर, आपका जो SBI अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रेस इफ करेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे प्रेस इफ करेक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये क्या करेंगे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। आपको वही मोबाइल नंबर फिलअप करना जो आपके अकाउंट से लिंक हो। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को सही सही फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रेस इफ करेक्ट, बस क्या करेंगे प्रेस इफ करेक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड प्लीज वेट, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है, यहाँ पे आपको स्किप वगैरह कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस तरह से इंटरफेस, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड, यहाँ देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा गाइस, अपना ATM कार्ड को अपने बाहर निकालना, यहाँ पे क्या करेंगे अपना ATM कार्ड को इससे बाहर निकालने के बाद आपका जो नंबर होगा मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे OTP आ चुका है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे फाइनली मैसेज मिल चुका और मैसेज में आपको इस तरह से आपको मैसेज आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में मुझे इस तरह से यहाँ पे मैसेज मिला और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिन फॉर डेबिट कार्ड एंडिंग, यानी आपका यहाँ पे ATM कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यानी लास्ट 4 अंक यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका OTP होगा यहाँ पे देखेंगे इज 4613, यानी आपको यहाँ पे लेटर में लिखा हुआ रहेगा इस तरह से FOUR SIXONETHER, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आप जो टाइप करेंगे वहां पे आपको सिंपली 4613 उस तरह टाइप करेंगे और यहां पे आपको OTP जो देखने मिलेगा ये आपका OTP होगा, जैसे यहां पे देख सकते हैं 4613 इस तरह से आपका OTP आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टाइप करेंगे आपका OTP यहां पे रहेगा, यहां पे आपका आपका जो ATM कार्ड होगा लास्ट 4 डिजिट यहां पे आपका ATM कार्ड का नंबर देखने मिलेगा, नंबर के बगल में आपका OTP देखने मिलेगा। ये नंबर आपको टाइप नहीं करना अपना OTP में, OTP में जो होगा आपका यानी आपका लेटर में लिखा हुआ रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं 4613। तो इस तरह से मुझे यहां पे मैसेज मिल चुका और ये मेरा जो OTP है 4613, इस OTP को मैं अपना यहाँ पे आगे भी आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे अपना OTP मिलने के बाद आपका जो नंबर लिंक है बैंक अकाउंट से उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया था, उस OTP को मिलने के बाद क्या करना, फिर से अपना ATM कार्ड को इस तरह से पकड़ना और पकड़ने के बाद क्या करना अपना इस ATM कार्ड यानी ATM मशीन के अंदर डालना है। तो चलिए अपना ATM मशीन के अंदर अपना कार्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा, फिर से यहाँ पे देखने मिलेगा प्लीज डू नॉट रिमूव योर कार्ड, यानी अपना ATM कार्ड को तब तक नहीं निकालना जब तक अपना पिन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर लेते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर से आपको क्या करना है यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना। तो चलिए इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं। इंग्लिश में क्लिक करने बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बैंकिंग, यहाँ पे आप देखेंगे बैंकिंग लिखा हुआ है, इस बैंकिंग पे क्या करेंगे यहाँ पे आपको बैंकिंग में क्लिक करना। चलिए बैंकिंग में क्लिक करते हैं। बैंकिंग में क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा राइट साइड नीचे देखने मिलेगा पिन चेंज, बस क्या करेंगे सिंपली अपना पिन चेंज में क्लिक करेंगे। पिन चेंज में क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंटर एनी नंबर बिटवीन 10 और 99, यानी आपको 10 से लेकर 99 के बीच आपको कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको 58 टाइप कर लेता हूँ। 58 टाइप करने बाद यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपली आपको नीचे देखने मिलेगा यस, यस में क्या करेंगे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर करंट पिन, यानी करंट पिन गाइस आपको जो OTP मिला होगा आपके नंबर पर वो OTP को सेंड किया था, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना OTP को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना OTP को फिलअप करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर न्यू पिन, यानी आपको एक नया पिन बना लेना है अपना ATM कार्ड के लिए, यानी आपको 4 डिजिट का यहाँ पे पिन टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना 4 डिजिट का ATM पिन यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन टाइप करना, फिर से आपको देखने मिलेगा प्लीज री इंटर योर न्यू पिन, यानी आपको जो ATM पिन अभी भी टाइप किया है उस पिन को दोबारा फिर से टाइप करना है।
यहाँ पे अपना दो बार एटीएम पिन टाइप करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा योर ट्रांजेक्शन बीज प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे आपका जो एटीएम पिन बना है 4 डिजिट का, यहाँ पे आपका एटीएम पिन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट, जो आप एटीएम पिन बनाए वो आपका एटीएम पिन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे प्लीज टेक योर कार्ड, यानी अपना एटीएम कार्ड को अपना इससे बाहर निकालना। तो अपना एटीएम कार्ड बाहर निकालने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपका एसबीआई एटीएम कार्ड, यहाँ पे फाइनली आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे पिन बन चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, चेक कर लेना आपका बैलेंस कि आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे फाइनली बना है कि नहीं बना। तो अपना बैलेंस चेक करने के लिए फिर से क्या करना, अपना एटीएम कार्ड इसके अंदर डालना। तो चलिए मैं अपना इसके अंदर अपना एटीएम कार्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे डालने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद गाइस आपको क्या करना, यहाँ पे देखने मिलेगा प्लीज डू नॉट रिमूव चिप कार्ड, इस तरह से देखने मिलेगा। फिर से अपना बैलेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको बैलेंस चेक करना है। यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड का पिन बनेगा। फिर से क्या करेंगे, अपना इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने बाद यहाँ पे अपना बैलेंस को चेक करने क्या करना, सिंपली गाइस यहाँ पे आपको बैंकिंग पे क्लिक करना है। बैंकिंग में क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बैलेंस इंक्वायरी। यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी में क्लिक करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी में क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको 10 और 19 के बीच कोई भी नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना। चलिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा था, 52 टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लीज इंटर योर पिन, यानी आप जो भी पिन बनाए अभी अभी आपने जो एसबीआई एटीएम का पिन बनाया उस पिन को यहाँ पे आपको टाइप करेंगे। चलिए मैं इस पिन को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। पिन टाइप करने बाद आपको कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा सेविंग्स, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस सेविंग्स पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सेविंग्स क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे योर ट्रांजेक्शन विद प्रोसीड प्लीज वेट, यानी आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना। वेट करने बाद यहाँ पे आपका बैलेंस शो करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करें, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बैलेंस।